मुंबई के अनुशक्ति नगर विधानसभा में आमदार तुकाराम काते के नेतृत्व में रखा गया मेडिकल कैंप, जिसमें भारी संख्या में गरीब जनता ने भाग लिया। इस मेडिकल कैंप में शिवसेना के नेता सूर्यकांत माड़िक ने भी विजिट किया और उन्होंने कहा कि इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। इसीलिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि पूरी मुंबई में मेडिकल कैंप लगाए जाएं ताकि लोगों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। पहली बात तो वाशी माहुल ये जो इलाका है, यहाँ हमारे शिवसेना के नेता थे माजी महापौर माननीय शरद बाबू आचार्य, और शरद बाबू आचार्य जब थे तभी इन्होंने ये सब बस्ती यहाँ बिठाई है। यहाँ के बच्चे से लेके बड़े तक शरद बाबू आचार्य को ठीक तरीके से जानते हैं और उनका ही सिद्धांत लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ आपको जो ये सब हॉस्पिटल स्कूल्स ये सब देख रहे हैं, ये सब आचार्य साहब की बदौलत है, और आने वाले दिनों में भी हमारे यहाँ MLA तुकाराम काते जी है, राहुल शेवाड़े MP है, और उनके साथ में यहाँ के कॉरपोरेटर है। आने वाले दिनों में यहाँ मैंने पूछा तो 40,000 की बस्ती है, तो ऐसे बस्ती में शिवसेना काम करती है, और दूसरा कौन सी पार्टी यहाँ नहीं आती शिवसेना के सिवाय, और शिवसेना गरीबों की पार्टी है, शिवसेना काम करती है, तब हम ये कौन सा पार्टी का है, ये कौन से धर्म का है, ये कौन से भाषा का है, ये कौन से प्रांत का है, वो हम नहीं देखते हैं। जो भी काम करने को आते हैं उनका हम काम करते हैं और भविष्य में हम काम करते रहेंगे। पहला प्राधान्य देती है समाज सेवा को और दूसरा प्राधान्य देते हैं पॉलिटिक्स को। थैंक यू। पहली बात तो पूरे मुंबई में अपने अपने एरिया में सभी हमारे शिवसेना के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, हम लोग हमारे एरिया में काम कर रहे हैं। अनुशक्ति नगर का जो क्षेत्र है उसमें सब पूरा झोपड़पट्टी है, और झोपड़पट्टी में बहुत सारे रोग राई सब बहुत है, ताप है और सर्दी खोखला ज़्यादा हो रहा है, और अभी बारिश आके गया है और जो बारिश ज़्यादा हो गया उसमें से चूहे बिल्ली कुत्ते जो मरे वो गटर में गए हैं, और अभी उनसे उन सड़कें उनका भी जो ये हो रहा है कीड़ा निकल रहा है तो पब्लिक का भी तपतिक हो गया। अभी बाजू का जो वाड़ा है उसमें तो एक पूरा बिल्डिंग टीवी का है, पूरा बिल्डिंग टीवी का, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारा मेहनत किया है और हम लोग कर रहे हैं। बीच में आपने एक प्रश्न उठाया था कि हम आपका इस इलाके लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शताब्दी रुग्णालय जो है उसका हम लोग 10 एकड़ जगह आजू बाजू का लेकर रखा है, और उधर अभी 300 करोड़ रुपये BMC मुंबई महानगर पालिका का फंड पास हुआ है, उसका पूरा प्लान तैयार है। जैसा सायन में अभी गर्दी हो रहा है, पेशेंट को रखने के लिए जगह नहीं है, तो हमारा चेंबूर का और सब अनुशक्ति नगर का जितने लोग हैं उनको जाने के लिए बहुत सारी तकलीफ हो रही है, तो शताब्दी हॉस्पिटल इतना बड़ा बना रहे हम लोग कि उधर 800 खटिया रहेगा, जो अभी 300 खटिया है अभी 800 रहेगा, और उधर मेडिकल कॉलेज रहेगा, ऐसा उधर सब व्यवस्था हम लोग करके रखा है। यही दो चार महीने में उधर का बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है, और शताब्दी हॉस्पिटल ये पब्लिक के लिए जाने के लिए हम लोग इधर से रास्ता भी कर रहे हैं, जो आरसीएफ से ब्रिज बना के श्री गिड़वानी मार्ग जाना मांगता है करके, इधर के पब्लिक को वो साइड जाना मांगता है, इसलिए ऐसा हम लोग रास्ता भी बना रहे हैं जो पब्लिक को सुविधा हो, ऐसा कर रहे हैं। और बीमारी तो है ही है, बहुत सारे अभी बारिश के वजह से होने वाले हैं, उसके लिए उद्धव साहब ने बताया कि हर क्षेत्र में आप लोग के मेडिकल क्लेम लो, जो गरीब लोग हैं उनको दवा दो फ्री में, सब काम करो, और जो अभी एक पेशेंट मिला ऐसा जो उसको बहुत सारा दमा है, उसको कल ही हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका दवा पानी रहने का खाने का सब व्यवस्था हो हॉस्पिटल में करें, क्योंकि वो भाई जो आपने देखा अभी वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा जो पेशेंट मिलता है जो हार्ट का पेशेंट रहेगा तो सुराना हॉस्पिटल वाले लेके जाएंगे, अगर कैंसर का पेशेंट मिलेगा तो टाटा वाला लेके जाएंगे, और ऐसा दमा बीमा लेगा तो हॉस्पिटल वाले उसमें ऐसा किया है, सुएस हॉस्पिटल वाले वो एडमिट करने वाले हैं, और जो ये टाइम में जो पेशेंट ज़्यादा बीमार है उसको ताबड़तोब एडमिट भी किया जाएगा, ऐसा सब व्यवस्था किया है। नहीं, ये अफवाह है, मैं तो शिवसेना छोड़ के कभी जाने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पक्ष के जो मंत्री है
वो मंत्री काम नहीं करे तो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना है, वो आवाज़ में उठाया है। अगर उनको बुरा लगा होगा तो लगने दो कि पब्लिक का मुझे काम करना है। अभी ये फ्रीवे बनाया हुआ, फ्रीवे में 2000 घर, उनको घर मिला नहीं, वो बेचारे किधर किधर रहते हैं, उनको घर नहीं, वो घर के लिए झगड़ा करना हमारा का गलत रहेगा तो मैं गलत हूँ? अगर उसके लिए झगड़ा करना है तो करते रहो। अभी 3 बरस होने आया हमें, मुझे 3 बरस में, 3 बरस में उसके पीछे लगा कि उनको घर दो घर दो, बेचारे बारिश में बिगड़े, कोई बीमार पड़े, कोई कुछ कर रहे, उनको घर नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ। और हमारे मंत्रीगण जो है उनको कल हमारा मीटिंग है, उद्धव साहब ने बुलाया है, कल ही फैसला हो जाएगा कि मंत्री क्या काम करते, कल का सब उद्धव उसके सामने, उद्धव साहब के सामने हो जाएगा। ये मेडिकल क्लेम जब बारिश हुई इतनी ज़ोर से तो हमारे उद्धव साहब ठाकरे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका ये बोलना है कि शिवसेना ही एक पार्टी है जो हर गरीब का, गरीब के साथ में रहती है, तो हमें हर जगह पे शिविर लगाना है, शिविर में डॉक्टरों को बुलाना है, लोगों का फ्री इलाज करना है, फ्री चेकअप करना है कि किसी को बीमारी नहीं हो। और जबकि आपको मालूम है कि पानी और गिरने की वजह से चूहे और ये सब कई मरे हैं, तो बीमारी फैलने का ज़रूर ज़रूर उपाय है इसका, तो इस उपाय को बचाने के लिए ये शिविर लगाए गए हैं और जगह जगह लगाए गए हैं कि हर 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 आम आदमी को एक सेवा मिल जावे, ये हमारे साहब का एक तत्व रहा इसका। आज का जो शिविर चेंबूर में लगाया गया है उसमें हमारे सूर्यकांत माणिक साहब थे साथ में, सुबोधाचार्य जी हमारे उपनेता वो भी साथ में थे, तुकाराम काते साहब थे, समृद्धि काते हमारे कॉरपोरेटर है वो भी साथ में थी, और कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं जो साथ में रहे हैं, और कई लोग आए हैं और हर जगह चेकअप की लाइनें लगी हुई है, तो अच्छा लग रहा है कि लोगों को सेवा मिल रही है एक।